बताइए, 6 और 8 का बिटवीन नंबर क्या होगा बताओ, व्हाट्सएप बताएंगे, 6 और 8 का बिटवीन नंबर क्या होगा? 6 और 8 का अंदर नंबर होगा, 6 के बाद सीधा 8 थोड़ी आता है, बीच में एक और नंबर आता है, कौन सा होता है वो? 1 आता है, 1 कैसे आएगा, 1 तो पहले आता है सबसे, 6 के बाद क्या आता है बताओ? काउंटिंग नहीं आती है क्या? बिग क्या होता है मैम, बिग 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 क्या होता है, व्हाट्स अ काउंटिंग बोल के बताओ मेरे को, 1 to 10 आपने बोला 6 के बाद क्या आता है बताओ, 6 के बाद क्या आता है, क्या आता है 6 के बाद? 7 आता है, तो 6 के बाद 7 आता है, तो 7 और 8 के बीच वाला बिटवीन नंबर कौन सा होगा? 7 होगा, कौन सा होगा? 7. अब बताओ 11 और 13 का बिटवीन क्या होगा बताओ, 11 और 13 एग्जाम में आ जाएगा कि 11 और 13 का बिटवीन नंबर लिखो, तो क्या लिखोगे आप इसमें? ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, 50, 60, 12 और 20, क्या लिखोगे इसमें से बताओ? 12. 11 के बाद क्या आता है? 12 आता है, तो बिटवीन नंबर देखने के लिए आप आगे वाला जो डिजिट है ना, नंबर दिया हुआ है, उसके बाद वाला जो आएगा वही बिटवीन होगा, ठीक है? यस. और वर्षा बताइए, बिफोर मीन्स क्या होता है? बिफोर मीन्स 17 का बिफोर क्या होगा बताओ, 17 का बिफोर नंबर क्या होगा? धनंजय बताओ क्या 17 का बिफोर नंबर क्या होगा? 17 का बिफोर मतलब 18 तो आफ्टर है, बिफोर पूछ रही हूँ मैं, बिफोर मीन्स क्या होता है? और 16 यस 16 होगा. 2 का बिफोर क्या होगा बताओ, 2 का बिफोर नंबर क्या होगा वर्षा? 2 का बिफोर नंबर 3 तो आफ्टर नंबर होगा, 3 तो 2 के बाद में आ रहा है ना, तो बाद वाला नंबर होता है उसको आफ्टर बोलते हैं, और पहले वाला होता है उसको बिफोर बोलते हैं, तो 2 से पहले क्या आता है? 1. हाँ, तो 1 होगा ना इसका बिफोर. आफ्टर, बिफोर और बिटवीन तीनों का आपको मतलब आना चाहिए कि आफ्टर मीन्स क्या होता है, बिफोर मीन्स क्या होता है और बिटवीन मीन्स क्या होता है, तभी आप आंसर सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? मिसिंग नंबर, चलिए मिसिंग नंबर करते हैं अपन. मिसिंग नंबर है हमारा, आपको बताना है 11, 12, 13. अब इसका 40 और 50. अब इसका मिसिंग नंबर क्या होगा बताओ, 11, 12, 13 मैंने लिख दिया है और बाकी मैंने छोड़ दिए हैं, यस, और नीचे आपको मैंने ऑप्शन दे दिए हैं कि 1 और 2 आएगा, 4 और 5 आएगा, 3 में दे दिया मैंने 14 और 15 आएगा, और 4 में ऑप्शन दे दिया मैंने 21 और 20 आएगा, तो बताओ क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, 1 और 2 आएगा क्या मिसिंग नंबर में? नो, 4 और 5 आएगा, वो भी नहीं आएगा, 14 और 15 यस, क्योंकि 13 के बाद क्या आता है, 11, 12, 13, 14 और 15, 16 तो मैंने लिखा ही है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें राइट आंसर होगा 3rd वाला, ठीक है? एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको सॉल्व करने होंगे, यस. उसके बाद है हमारा 5 प्लस, ये किसका सैंपल है? एडिशन का, किसका? एडिशन, 5 प्लस 0 प्लस
3 इक्वल आपको बताना है। अब इसकी एडिशन करके आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा। अब नीचे मैं जैसे ऑप्शन दे रही हूँ, अब 1 मिनट रुकिए, नीचे मैं ऑप्शन दे रही हूँ 8 आएगा, बी में दे रही हूँ मैं 7 आएगा, 3 में दे रही हूँ मैं कि 3 आएगा क्या, और 4 में दे रही हूँ मैं 5 आएगा। तो आपको रफ नोटबुक पास में रखनी होगी अपनी, फटाफट से एडिशन करनी है। 5 में 0 ऐड करो कितने आएंगे, 5 का 5, और 3 ऐड करो कितना आएगा, 8। तो इसका आंसर क्या होगा, 8 पे क्लिक कर दोगे आप, ठीक है। ऐसे एडिशन आएगी आपकी, ऐसे नहीं आएगी आपकी एडिशन के 5 और 3 क्या होता है, ऐसे नहीं आएगी एग्जाम में, इस तरीके से आएगा। ऑप्शन दिए हुए होंगे ए बी सी और डी, जो करेक्ट होगा उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यस, अब बताइए, और कुछ में आप ये एडिशन भी दे रखी होगी वर्षा। यस मैम। समझ रहे हो कि क्या कर रहे हो, बताओ। एग्जाम आपको देना है, आज नहीं समझोगे ना तो एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बैठे रहना आप। भैया से पीछे कह रहे थे, नहीं खाना खा लेता। अपनी क्लास टाइम में किसी से बात नहीं करनी है, ठीक है, कि मेरी क्लास चल रही है अभी मैं किसी से बात नहीं करूंगी, ओके। यस, अब वर्षा बताएंगे, वर्षा 2+ धनंजय आप नहीं बताएंगे, वर्षा बताएंगे, 2+3 इक्वल बताइए। इसमें ए में मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है कि 2+3 कितने होते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 होते हैं, बी में मैंने ऑप्शन दे दिया कि 0 होता है, सी में मैंने ऑप्शन दे दिया 8 होता है, और डी में मैंने ऑप्शन दे दिया 7 होता है। अब वर्षा बताएगी कि 2+3 कितना होता है, बताओ जल्दी से अपनी नोटबुक में काउंट करके बता दो मैम, 2+3 कितना होता है, एडिशन करके बतानी है। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें, 2+3। हाँ एडिशन करो जल्दी से, रफ नोटबुक में अपने पास रखा करो, फटाफट से 2 लाइन बना लो, 3 लाइन, फिंगर पे भी कर सकते हो बेटा, नोटबुक में करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने सिखाई थी ना फिंगर पे करनी। 2+3 जल्दी से काउंट कर लो, 5 कितना आ रहा है, बोलो मुंह से बोलो अपने, 5। तो इसमें देखो ऑप्शन दे रखे नीचे, ए में 5 है, बी में 0 है, सी में 8 है, और डी में 7 है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ, राइट कौन सा होगा, ए, वेरी गुड, तो ए पे क्लिक कर दोगे आप, ठीक है। ऐसे एग्जाम में आएंगे आपके क्वेश्चन। फिर है आपका, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट डे ऑफ द वीक, पूरा वीक में सबसे पहला दिन कौन सा होता है, बताओ फर्स्ट डे कौन सा होता है, जब आपकी स्कूल की छुट्टी होती है, अपने वीक में ऐसा कौन सा डे होता है जब आपकी स्कूल की छुट्टी रहती है, हॉलीडे रहता है, बताओ कब रहता है हॉलीडे हमारा, रविवार को। रविवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, संडे। संडे को हमारा हॉलीडे रहता है, संडे के बाद कौन सा डे आता है बताओ, मंडे। मंडे, मंडे को हमारा स्कूल डे रहता है या हॉलीडे रहता है, स्कूल डे, स्कूल डे रहता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा डे होता है, वो फर्स्ट डे होता है वीक का, तो इसमें आएगा मंडे, ठीक है ना, यानी कि हमारा पहला दिन जो होता है सप्ताह का, वीक का फर्स्ट डे जो होता है वो मंडे होगा, क्या होगा, मंडे होगा। यस, अब देखिए, अब लिखा है मैंने इफ फुटबॉल इज हैवियर और लाइटर वाला, मैंने आपको चैप्टर करवाया था कि नहीं करवाया था, हैवियर क्या होता है और लाइटर क्या होता है, इक्वल क्या होता है, वर्षा ध्यान से देखिए, तो इफ फुटबॉल इज, फुटबॉल क्या है बताइए, पेन से, ए फुटबॉल इज देन अ पेन, अब बताइए कि फुटबॉल हैवियर है पेन से, लाइटर है या बराबर है या सभी है, बताओ क्या है इसमें, क्या है, वो पेन से हैवियर होता है कि लाइटर होता है, लाइटर, लाइटर होता है, लाइटर का मतलब होता है हल्का और हैवियर मींस होता है भारी, हैवियर। आपको बताना है कि फुटबॉल भारी होती है या पेन भारी होता है, फुटबॉल, फुट,
फुटबॉल, तो इस ऑप्शन में आपको नीचे चार ऑप्शन दिए हुए आएंगे, एक तो आएगा हैवियर का, एक आएगा लाइटर का, एक आएगा इक्वल, इक्वल यानी बराबर है क्या दोनों, नहीं है बराबर, एक आएगा सभी, सभी तो हो ही नहीं सकता, तो अपने आएगा हैवियर, क्योंकि भारी है ना तो इसमें हैवियर आएगा, हैवियर पे राइट करेंगे आप, ओके यस। जैसे हमने देखो नोटबुक में ये वाला काम किया था आपने, ये वाला काम किया था, स्क्रीन पे देखो धनंजय वर्षा, जैसे इसमें देखो दिया हुआ है ए स्कूल बैग इज ए, खाली जगह छोड़ दी है इसमें, फिर लिखा है देन अ पेंसिल बॉक्स, स्कूल बैग हैवियर होता है या पेंसिल बॉक्स बैग हैवियर होता है बताइए, बैग हैवियर होता है, हैवियर आएगा, अगर आगे दे देते पेंसिल बॉक्स और पीछे दे देते स्कूल बॉक्स तो अपना आता लाइटर, कि पेंसिल बॉक्स है वो स्कूल बैग से लाइटर होता है ना, यस। फिर है ए ऑरेंज इज देन ए वाटरमेलन, ऑरेंज हैवियर होता है या वाटरमेलन हैवियर होता है, वाटरमेलन, हाँ तो ऑरेंज है वो लाइटर होता है तो अपन इसमें लाइटर लिख लेंगे, ठीक है। माइक म्यूट रखो। अब मैं आपको एक सबट्रैक्शन दे रही हूँ, वो ना रफ नोटबुक में सॉल्व करके बताओ मैम को, 15 minus 8 अब आपको बताना है कि 15 माइनस 8 क्या होता है, जल्दी से बताएंगे मेरे को, और अपना माइक है वो थोड़ा म्यूट रखो बेटा। क्या आएगा, सेवन, यस। अब मैं आपको नीचे ऑप्शन दे दूंगी, ए में 9, बी में 4, सी में 5 और डी में 7, तो आपने टिक कर लिए, आपका 7 आ रहा है, तो जहां पे 7 लिखा हुआ है उस पे आप ऐसे टिक लगा देंगे, ओके यस। तो ऐसे ही हमें सॉल्व करना है, नीचे आंसर दिए हुए होंगे, आपको रफ नोटबुक अपने पास में रखनी है कि मेरा एग्जाम स्टार्ट हो गया है मैथ का, एक रफ नोटबुक पास में लेके बैठोगे आप, और किसी बड़े को साथ में लेके बैठोगे आप, ठीक है, अपने दीदी को, अपने पापा को, मम्मी को, भैया को, किसी को भी, हंसना नहीं है, बातें नहीं करनी है, अच्छे से पेपर आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, इससे ज्यादा आपको पेपर का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, अच्छे से अपना पेपर है वो सॉल्व करना है। अब इसका आंसर बताओ मैम को, व्हाट विल बी कम नेक्स्ट, इसके बाद क्या आएगा वो बताना है, ए सी ई और जी, ए के बाद क्या आता है, ए फॉर एप्पल के बाद क्या आता है बच्चा, इसके बाद ए फॉर एप्पल के बाद बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल आता है, फिर आता है सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर गन, जी फॉर गन के बाद क्या आता है, एच फॉर एन, हाँ धनंजय यहाँ पे मैंने क्या किया है बताओ, ए ए के बाद मैंने ए के बाद मैंने बी नहीं लिखा है, सीधा क्या लिखा है, सी 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 के बाद मैंने सीधा ई लिख दिया है, डी लिखा ही नहीं, तो एक एक अल्फाबेट मैंने छोड़ा है ना बीच में, है ना, तो अब मैंने ई के बाद क्या था, अपन के पेपर में आएंगे, अपन को बीच बीच में लिखना है, नहीं लिखना नहीं है, लिखना नहीं है बीच बीच में, अब देखो मैंने यहाँ पे ई फॉर एलिफेंट है, ई के बाद मैंने सीधा जी लिख दिया है, आता क्या है ई के बाद, एफ आता है, ठीक है, तो अब आपको भी जी के बाद क्या आता है बताओ, ए बी सी डी ई एफ जी, जी के बाद क्या आता है, एच, और आपको एच नहीं लिखना है क्योंकि मैंने भी यहाँ पे एक को छोड़ के दूसरा लिखा है, तो एच के बाद क्या आएगा वो आपको यहाँ लिखना है, एच के बाद क्या आएगा बताओ, आई, ऑप्शन के बी एच आई, तो जो राइट आंसर होगा उसपे आपको टिक लगाना है, तो आई आएगा क्योंकि मैम ने भी एक एक छोड़ दिया है तो आपको भी एक छोड़ के फिर करना है, आया समझ में धनंजय, आया बेटा, ओके यस मैम, यस। अब देखो इसमें एक हमारा चैप्टर था, उसमें था कि टीथ इज योर माउथ, आपके माउथ में कितने टीथ हैं, लेस देन 40, 40 से कम है, लेस देन मोर देन 40, 40 से ज्यादा है या इक्वल है, इक्वल टू 40, 40 के बराबर है या सभी,
बताओ इसमें आंसर क्या होगा राइट? 40. 40 क्या लेस देन या मोर देन? 40 से ज्यादा है, 40 से कम है, कितने हैं बताओ? 40 से कम. 40 से कम. कम को क्या बोलते हैं? लेस देन. तो अपना आंसर होगा ए कि लेस देन 40. हमारे माउथ में जो टीथ हैं वो 40 से लेस देन है, तो इस पे राइट लगा देंगे. ठीक है, यस. फिर मैंने आपको समझाया था, देखो कि टेंस और वंस वाला, टेंस और वंस वाला मैंने समझाया था ना आपको एक दिन. अब बताओ कि 32 है, 32 में कितने टेंस आएंगे बताओ? टेंस कितने आ रहे हैं इसमें? वन का आ रहा है, वन टू टेन, वन टेन, इलेवन टू ट्वेंटी टू, और इलेवन टू थर्टी थ्री टेन. ऊपर क्या हो रहा है? 31 और 32, तो थ्री टेंस आएंगे प्लस टू वंस आएंगे. ये समझाएंगे आपको और समझा देंगे अच्छे तरीके से. ठीक है, वर्षा कहाँ है आज? वर्षा का ध्यान कहाँ है? वर्षा कहाँ है बेटा ध्यान आपका? क्या है आपके हाथ में? नीचे रखो इसको. वर्षा बताएंगे मेरे को, वर्षा बताइए कि 21 में कितने टेंस हैं बताओ? 21 में टेंस कितने आ रहे हैं? 10 कितनी बार आ रहा है? कितने 10 है बताओ यहाँ पे? वंस कितने और टेंस कितने? मैंने आपको समझाया था ना एक दिन वंस और टेंस वाला. बताओ, पढ़ोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा बताओ मेरे को? ये मैंने एक दिन आपको समझाया था ना कि वन टेंस में एक टेन होता है और फोर वंस में फोर होते हैं. टोटल 10 प्लस 4 14. 14 होता है 13. 4 टेन 14. 10 20. यस, और वन टेन का मतलब एक बार 10, और वंस का मतलब होता है सिंगल. ठीक है ना, 7 वंस का मतलब होता है 7, 8 वन का मतलब होता है 8, 4 वंस का मतलब होता है 4. आज वर्षा पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप? पढ़ाई करते टाइम अपने पास किसी को भी नहीं रखोगे? कोई भी नहीं है पास में मैम. कोई भी नहीं है तो बताइए. अब आपको मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है कि 20 में कितने टेंस होंगे बताओ? 20 में कितने टेंस कितने होंगे 20 में? कितने होंगे? टू अभी आपने बोला ना. और 30 में? 30 में कितने टेंस होंगे बताओ? 30 में कितने होंगे? 3. वेरी गुड. 40 में कितने टेंस होंगे? 4. 50 में कितने टेंस होंगे? 60 में 6. यस. और 2 वंस में कितने वन होंगे? 2 वंस में, 2 वंस में पूछ रही हूं मैं. 2 वंस में, 2 वंस में 2 वन होंगे. 3 वंस में 3 होंगे. वापस नोट करो. ठीक है, 7 वंस में 7 वन, 4 वंस में Four ones. बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना होता है, उसको समझना होता है कि एकदम सही है. ओके, जो पढ़ाते हैं ना वो ध्यान से सुना करो बेटा. अपनी क्लास खत्म हो गई है, ठीक है, घर में बैठ के एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करोगे विदाउट कैरी वाले, बिना कैरी वाले, अपने हैंड पे हाथों पैसे गिन के ट्राई करोगे. ओके, बाय.